Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. And first of all, a very big thanks to all my subscribers. I have reached 1000 finally. तो मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने स्टूडियो में क्या क्या करती हूँ. सबसे पहले मैं जलाती हूँ बहुत सारी ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स और आई लव टू लाइट कैंडल्स एंड आई लव टू मेक इट ऑल्सो. तो ये मैं ऐसे कैंडल्स जला के और उसके बाद इनको मैं अपना स्टूडियो में लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी लाती हूँ और फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ. उससे पहले आई ऑल्सो नीड अ कप ऑफ टी. सो दैट टी हैज़ टू बी ग्रीन टी और समटाइम्स मे बी कॉफ़ी. तो ये मैंने ग्रीन टी बनाई और ऑलमोस्ट ही मेरा रोज का रूटीन होता है कि मैं थोड़ा सा ग्रीन टी बनाती हूँ और फिर मैं उसको अपने साइड टेबल पे रखती हूँ और फिर मैं अपने सारे काम करती हूँ. सारे काम मतलब आई स्टडी माई नेचुरोपैथी, उसमें नोट्स बनाती हूँ और उसकी रेसिपीज़ लिखती हूँ. ये मेरी नेचुरोपैथी की डायरी है. और फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो भी अपडेट करती हूँ. उसमें देखती हूँ मैं क्या क्या एल्गोरिथम चल रहा है, कहाँ पे मेरा क्या चीज़ मिसिंग है, व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव टू ऐड एंड हाउ आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल. ये मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देख कर के कई बार आई ट्राई टू लर्न. तो मैं लर्न ऐसे ही करती हूँ. फिर ये मेरी ब्लू टी है और उसके बाद मैं कुछ ओल्ड मैगजीन्स में से कटआउट्स निकाल के उसको एक बॉक्स में स्टोर करती हूँ. फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना जो भी मेरा आर्ट वर्क है उसको मैं एक बार आई जस्ट फ्लिप थ्रू करती हूँ मैं अपने फाइल को और मैं उसको देख करके बहुत एन्जॉय करती हूँ क्योंकि वो मैंने कैसे कैसे बनाए हैं वो मुझे पूरा रिकैप दिखता है एंड आई रियली एन्जॉय टचिंग द पेपर. और उसमें उसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आता है. उसमें जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग बनाई है और पेंटिंग करी है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग यू मेक और प्रिपेयर हैज़ टू बी सोल्ड और हैज़ टू बी गिफ्टेड टू समबडी. कभी कभी वो आपको भी रखने एक एल्बम की तरह रख कर देखने में भी बहुत मज़ा आता है. तो ये मैंने जितने भी अपने क्राफ्ट अपना आर्ट वर्क किया है वो मैंने एक एल्बम में बनाया है और इस एल्बम को मैं जब कोई मेरे स्टूडियो में आता है ना तो उनको भी दिखाती हूँ. फिर मैं थोड़ा सा फ्लावर्स लेके उनको ड्राई भी करती हूँ लाइक रोज़ेस. फिर उनका मैं ड्राई फ्लावर्स एंड ड्राई लीव्स का मैं ये इस तरह का आर्ट वर्क बनाती हूँ. कभी कभी मैं मार्केट से रेडीमेड एनवेलप्स लाके उसमें ये डेकोपाज आर्ट करती हूँ और उन्हें देख के बहुत खुश होती हूँ. इन सब के मैं वीडियोस पूरे साल भर में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने मेरा चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो ताकि आपको कमिंग ईयर में सारे इतनी क्रिएटिव चीज़ें सीखने को मिले. क्योंकि मैं बहुत ही रेगुलर वीडियोस एंड शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ. ये मेरी छोटी सी क्यूट सी जर्नलिंग नोटबुक है जो मैंने बनाई है और इसके अंदर जो भी स्टफ़ मैंने लगाया है ये सारा मैंने खुद बनाया. कुछ प्रिंट्स निकाले गूगल करके और कुछ मैंने डेकोपाज करके स्टिकर्स बनाए. तो इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. एक एक क्यूट सी नोटबुक है ये भी मैंने बनाई है और जनरली मैं इसको कैरी करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ. कभी इसमें डूडलिंग करती हूँ, कभी मैं इसमें कुछ लिखती हूँ इस तरह से. और ये मैंने एक आर्ट वर्क किया है ये ओल्ड मैगजीन्स को ओल्ड बुक्स को कैसे रिसाइकल करना है, कैसे रीयूज करना है वो है. ये मैंने बहुत ही प्यारा सा फ्रिज मैग्नेट बनाया है. ये मेरी पेंटिंग्स हैं, लीव्स बनाई हैं. सोप्स, मिनी सोप्स,
एंड दीज आर नॉट सोप्स, दीज आर कैंडल्स। तो ये मैंने एक साइड पे ऐसे सजा के रखा है और कुछ वॉल हैंगिंग्स बनाई हैं, कुछ मैं अपने हर्बल रेसिपीज़ के लिए फ्लावर्स ट्राई करती हूँ और उनको फिर अपने रिसाइकल जार्स में डालती हूँ। ये बटरफ्लाई पी फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स जो हैं ये आप इनको ड्राई करके इनकी आप टी बना सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी मैं इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अगर आप आपके पास नहीं है तो आप मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं और उसमें मैंने पूरा हेल्थ रिलेटेड ऑडियोस डाला है। बटरफ्लाई ये मैंने सैफ्रन जेल बनाया है और इसको मैं स्टोर करके रखूँगी और whenever I am going to make a skincare product, I will be using this saffron gel. और ये है मेरा सबसे सबसे amazing work इस पूरे साल 2022 का और वो है ये मैंने इस साल बहुत ही अच्छा फैब्रिक प्रिंटिंग का आर्ट सीखा था। ये कुछ रैंडम पेंटिंग्स हैं ऑफ वाटर कलर एंड थोड़ा सा स्पटूडलिंग। ये विंटेज लुक ये मैंने स्टैम्पिंग किया था। ये है ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन सम फैब्रिक। ये चैनल पे और बहुत सारे व्लॉग्स और ट्रैवलिंग टूर्स के वीडियोस भी हैं और कई सारे क्राफ्ट एंड आर्ट के आइडियाज़ भी हैं। आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप रेगुलरली मेरे चैनल में अपलोडेड वीडियोस देख सकें। टिल नेक्स्ट ईयर, बाय बाय, टेक केयर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।